जब जब जंगे आजादी की दास्तान सुनाई जाएगी, जब जब बीते कल की सारी बातें दोहराई जाएंगी, जब जब भारत की मिट्टी का इतिहास खंगाला जाएगा, तब तब झांसी की रानी की गाथाएं गाई जाएंगी। सन 1857 की क्रांति के बाद उठी देशभक्ति की लहर ने 1947 आते आते ब्रिटिश हुकूमत के पांव हिंदुस्तान की जमीन से उखाड़ दिए और उन्हें भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया। लेकिन इस आजादी के लिए हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई। जंगी आजादी में न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कितने ही राजा महाराजाओं ने अपनी सत्ता, अपनी सल्तनत खो दी और आजाद हिंदुस्तान के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी। और इन्हीं में से एक नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा या सुना ना हो। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा रानी और उनके साथियों नाना साहब, तात्या टोपे, सम्राट बहादुर शाह को और साथ ही 1857 की क्रांति में इनके योगदान को जानता है। लेकिन झांसी युद्ध और रानी की कहानियों के बीच यहाँ का एक पहलू कहीं गुम हो जाता है और वो है झांसी का किला। झांसी का किला ही वो इमारत है जहां से उठी क्रांति की चिंगारी ने रानी के नाम को इतिहास में अमर बना दिया। झांसी के किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने सन 1613 से 1619 के बीच बंगरा नाम की पहाड़ी पर करवाया था। यह किला करीब 15 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। करीब 25 सालों तक बुंदेलों ने यहाँ राज किया और उसके बाद इस किले पर मुगलों, मराठों और उसके बाद अंग्रेजों का अधिकार रहा। मराठा शासक नारू शंकर ने 1729-30 में इस दुर्ग में कई परिवर्तन कराए, जिसके बाद यह परिवर्तित क्षेत्र शंकरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1857 की क्रांति में इस किले का बेहद ही अहम योगदान रहा है और उसके बाद ये किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। इस किले में बुंदेली और मराठा शैली की स्थापत्य कला की मिली जुली झलक देखने को मिलती है। किले के अंदर भगवान शिव व भगवान गणेश का एक प्राचीन मंदिर है। रानी के मुख्य तोपची गुलाम गौस खां की कड़क बिजली तोप मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते ही नजर आती है। किले के भीतर बना पंचमहल झांसी के पुराने वैभव को दर्शाता है। किले में 22 बुर्ज और दो तरफ रक्षा खाई है। इन बुर्जों पर खड़े होने पर पूरे शहर का खूबसूरत नजारा दिखता है। इस किले को सन 1938 में केंद्रीय पुरातात्विक संरक्षण में ले लिया गया था। इसी किले से जुड़ा हुआ पुराने शहर को चारों ओर से घेरे हुए परकोटा अपने आप में अनूठा है। इसमें बाहर आने जाने के लिए 10 दरवाजे और 4 खिड़कियां हैं। परकोटे की दीवार, दरवाजे और खिड़कियों ने 1857 के संग्राम में झांसी की ढाल बनकर रक्षा की थी। कहा जाता है इस पर कोटे और किले पर अंग्रेजों ने 60-60 शेर वजनी तोपों के गोले बरसाए थे, लेकिन इस किले की दीवार को नहीं हिला सके। और आज 400 साल बाद भी यह किला उसी शानो शौकत के साथ खड़ा है। आज इस किले को देखने के लिए देश और दुनिया भर से हर साल लाखों लोग यूपी में आते हैं और आने वाले वक्त के साथ शायद ये सिलसिला बढ़ता ही रहे। दोस्तों, हमारे इस सीरीज यूपी के किले के दूसरे एपिसोड में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। झांसी किले के कौन से भाग ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यूपी डायरी के हर सफर के साथी बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी जरूर दबा दें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शीघ्र ही मिलते हैं किसी और सफर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।